देखिए कितने मस्त हो गई है। हेलो, मैं अंजलि गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे शेगांव की कचौरी। शेगांव महाराष्ट्र में आता है और वहाँ की कचौरी बहुत ही फेमस है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है और शुद्ध घी लिया है। शुद्ध घी आप यूज़ करें, उससे कचौरी खस्ता बनती है। और नमक डाल के हम इसे गूँथ लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमें लगेगी मूंग दाल। 1 कटोरी मूंग दाल ली है, उसे 5-6 घंटे भिगो के रखना है। बाद में दरदरा पीस लेना है। मेथी दाना लिया है बिल्कुल 1/4 चम्मच, थोड़ी सी लेना है। 3 चम्मच हमें धनिया लगेगा, साबुत धनिया लिया है। 1 चम्मच जीरा लिया है और 1 चम्मच सौंफ ली है। इसे भून के दरदरा पीस लेना है, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। और लगेगी मिर्ची का ठेचा। मिर्ची के ठेचे में हमने हरी मिर्च, 1 गाठा लहसुन और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का पीस लिया है मिक्सी में डाल के। और ये मसाले लगेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर। 3 चम्मच में यहाँ पर घी डाल रही हूँ। घी को गरम करके ही डालना, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत खस्ता बनती है। घी हमारा गरम हो गया है, हम ये मोहन इसमें डाल देते हैं। और थोड़ा सा नमक। इस तरह से हो जाना चाहिए, ऐसे इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं। इस तरह से हम इसे गूंथ के रख देंगे। जब तक हमारा स्टफिंग बनता है तब तक के लिए इसे ढक के रख देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। 1-2 चम्मच तेल लिया है। इसमें पहले हम ठेचा, हमारा मिर्ची अदरक लहसुन का ये ड्राई मसाले, इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमारी हरी मिर्च का ठेचा है ही, उसमें स्वादानुसार नमक, आमचूर पाउडर, थोड़ा गैस में कम कर रही हूँ, आमचूर पाउडर, 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डाला है और 1 गरम मसाला। अब ये पिसी हुई मूंग दाल, इसे अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से भून लेना है मसालों के साथ। ये मर्ज होनी चाहिए। इस तरह हमारी दाल अच्छे से मर्ज हो जानी चाहिए मसालों के साथ और थोड़ी पक भी जानी चाहिए। अच्छी सी पकी हुई दाल खाने में बहुत अच्छी लगती है। हमारा स्टफिंग रेडी है।
इस तरह से स्टफिंग के मैंने छोटे छोटे बॉल करके लिए हैं, और हमारा जो मैदा था वो अच्छे से गूंथ के इसके बीच छोटे छोटे बॉल बना लेना है, और हम अभी कचौरियाँ बनना शुरू करते हैं। एक छोटी सी पूरी जैसा बना लेना है, और हमने जो स्टफिंग बनाया था ना वो हम इसमें रख देंगे, और इसे अच्छी तरह से इसे इस तरह से ढक देंगे, और इसे अच्छी तरह से इसे दबा देंगे। इसे ऐसे ही हाथों से इसे बड़ा कर देंगे इस तरह से। अभी हम इसे वन बाय वन फ्राई करेंगे। पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हमारा तेल अच्छे से हो गया कि नहीं। हो गया है, देखिए कितने मस्त हो गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जब भी आपको बनाना हो आप वीडियो को देख के बना सकते हैं। अभी इसे भी निकाल देते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।